एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जस्ट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या कंटेंट होते हैं। फॉर्मल लेटर एक अनसेपरेबल पार्ट है 11th 12th इंग्लिश लिटरेचर का। जो 12 CBSE का पेपर होता है, जो 11 CBSE का पेपर होता है, उसका एक अनसेपरेबल पार्ट होता है फॉर्मल लेटर। ओके, तो आज हम इसका सिर्फ एक फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसके फॉर्मेट में क्या क्या कंटेंट होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मल लेटर, जब आपको क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर आता है तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फॉर्मल लेटर है पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए। दैट इज़ जो आपके पेपर की लेफ्ट मार्जिन होती है, आप जो भी लिखेंगे वो आपके उस लेफ्ट मार्जिन में ही होना चाहिए। कुछ भी चीज़ बीच में या राइट में नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ विल सी द पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर। लेट्स सी, फॉर्मल लेटर जनरली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो आप किसी भी बड़े ऑफिसर को, डायरेक्टर, प्रिंसिपल या किसी ऑफिशियल को जो लेटर लिखते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर। ओके, अब फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट होता है इन लेफ्ट, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, हु इज सेंडर हियर? सेंडर इज द वन हु इज राइटिंग लेटर। जो लेटर लिख रहा है, यहां पर एड्रेस आएगा उस पर्सन का। ओके, एक लाइन छोड़ देंगे आप। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है डेट, डेट ऑन विच यू आर राइटिंग अ लेटर। ओके, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट यहां पर होगी और उसका फॉर्मेट होगा, द फॉर्मेट वुड बी द डे कॉमा द मंथ एंड द ईयर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट जिसमें आपको डेट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, एक लाइन स्किप किया, फिर आता है आपका डेट, फिर एक लाइन स्किप करेंगे अब आ जाता है आपका रिसीवर एड्रेस। द नेक्स्ट पार्ट इज रिसीवर्स एड्रेस। ओके, अब रिसीवर के एड्रेस में क्या क्या आता है? अगर आपको नेम दिया हुआ है, अगर आपको रिसीवर का नेम दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नेम ऑफ द रिसीवर। उसके नीचे आता है उसका डेजिग्नेशन नेम, देन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। जिस इंस्टीट्यूट में, जिस ऑफिस में, जिस कॉरपोरेशन में आप लेटर लिख रहे हैं, वहां उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या डेजिग्नेशन है। ओके, एंड देन कम्स द कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस जहां पर कि उस लेटर को जाना है या जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड है। ओके, क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द पर्सन, देन कम्स द डेजिग्नेशन, और उसके नीचे आता है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस जहां पर उस लेटर को आपको भेजना है। फाइन, अब अगली चीज जो आती है वो होता है सब्जेक्ट। वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जनरली आप लोग जो लिखते हैं बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा उतार दिया जाता है, बट दैट इज रॉन्ग। अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, कंटेनिंग द मेजर 4-5 लेटर्स ऑफ द क्वेश्चन, जिसको पढ़ के सामने वाले को सिर्फ आइडिया लगे कि ये लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन उसमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन दैट इज डियर सर, डियर, और यू कैन यूज रिस्पेक्टेड, और यू कैन सिंपली राइट सर और मैडम, यह आ जाता है सैल्यूटेशन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर। जब आप बॉडी, जो मेन जो मैटर है यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर में, आपको वो डिस्कस करना होता है। रिमेंबर वन थिंग, जो भी कंपोजिशन आप करते हैं, जो भी कंपोजिशन आप कर रहे हैं, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हर कंपोजिशन को 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। दैट इज यहाँ पर जो आपकी बॉडी है इसको भी आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ओके,
पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, पहले पार्ट में दैट इज द फर्स्ट पार्ट विल कंटेन द इंफॉर्मेशन कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, आप कौन से स्टूडेंट हैं या आप कौन हैं जो इस लेटर को लिख रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैटर, सेकंड जो पैराग्राफ है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, ओके। और जो थर्ड है दैट कंटेन्स कंक्लूजन, कंक्लूजन जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो प्रॉब्लम बताई है उसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको मिले, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन देन इंफॉर्मेशन देन कंक्लूजन, ओके। अब एट लास्ट आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होती है दैट इज योर्स, वाई ओ यू आर एस, योर्स नहीं, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं आपको एक चीज़ याद में रखनी है, आपको लिखना है योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, ओके। ओबीडियंटली आप उसी कंडीशन में लिखेंगे जब आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको ओबीडियंटली का यूज़ करना है, अदरवाइज आप योर्स के साथ में सिंसियरली का यूज़ कर सकते हैं, आप योर्स के साथ में ट्रूली का यूज़ कर सकते हैं और आप योर्स के साथ में फेथफुली का यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, ओबीडियंटली सिर्फ उस कंडीशन में जबकि आप लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल या अपने क्लास टीचर को, ओके। सो इट इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो कोई भी फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन पढ़िए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस कि इन पूरे पार्ट्स में उसे अरेंज कैसे करना है, ओके। सपोज आपको लेटर को लेटर टू एडिटर लिखने को आता है, सबसे पहले आप अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे, फिर जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे, फिर उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस में द एडिटर कौन से न्यूज़पेपर को बिलोंग करते हैं और कौन से सिटी में आप लेटर लिख रहे हैं, दैट कंटेन्स द रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाता है इन ब्रीफ शॉर्ट, जिसमें आपको सिर्फ अपनी मेन प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, दैट इज टू पब्लिश एन आर्टिकल, टू मेक पीपल अवेयर, इस तरह से एकदम शॉर्ट सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करना है, ओके। देन आता है सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर और सिंपली सर। कंटेन्स बॉडी, बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी, पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन, तीसरा होता है कंक्लूजन, ओके। एट लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, एंड उसके नीचे आप अपना नाम और डेजिग्नेशन इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर जो कि 11-12 CBSE का एक अनसेपरेटेड पार्ट है। अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस इट वेल, अगर आप फॉर्मेट में ये पेपर फॉर्मेट में पेपर में अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इट विल गिव यू कंप्लीट मार्क्स बिकॉज इट कंटेन्स द मार्क्स, बेसिकली द मार्क्स ऑफ फॉर्मेट, ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट सेशन में आई विल डू दिस विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये पूरा लेटर कंपोज करके बताऊंगी, ओके। एंड टिल देन शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।